आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hi everyone, here the given question is, among the given statements, which of the following statements are correct regarding summative assessment? So guys, इस क्वेश्चन में हमें दी गई है 4 statements, जिनमें से हमें बताना है कि कौन सी statements जो हैं वो correct हैं regarding summative assessment. So हमें choose करना है correct answer को from the 4 options. तो चलिए solve करते हैं इस question को. So one by one हम discuss कर लेते हैं हर एक option को, but पहले बात कर लेते हैं summative assessment के बारे में, जो हमें question में जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो समेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो उस तरह का असेसमेंट होता है जो किया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर और टर्म और यूनिट और सेमेस्टर, ठीक है। देन थोड़े टाइम बाद असेसमेंट करने के बाद जो फीडबैक है वो दिया जाता है पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को, एंड इस फीडबैक की हेल्प से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम हर एक ऑप्शन, हर एक स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम पता लगा सके कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट ए को, जिसमें कहा गया है इट इज मोस्ट ट्रेडिशनल वे ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट वर्क। ये बिल्कुल ही करेक्ट है, बिकॉज समेटिव असेसमेंट जो है ये काफी सालों पहले का तरीका है जिससे जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस है उसका पता किया जाता है, उस स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द समेटिव असेसमेंट। अब अगर हम स्टेटमेंट बी की बात करें, उसमें कहा गया दे आर कंडक्टेड एट द एंड ऑफ यूनिट और सेमेस्टर। ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि समेटिव असेसमेंट जो है वो कोई एक पर्टिकुलर कोर्स के खत्म होने के बाद एट द एंड ऑफ ईयर और टर्म और सेमेस्टर और यूनिट तब किया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग समेटिव असेसमेंट। अगर स्टेटमेंट सी की बात करें तो उसमें कहा गया है दिस असेसमेंट कंटिन्यूसली मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग समेटिव असेसमेंट, बिकॉज ये वाला जो स्टेटमेंट है वो है करेक्ट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। बिकॉज फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है, लेकिन समेटिव असेसमेंट में तो वो प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ ईयर और टर्म और यूनिट और सेमेस्टर में मेजर की जाती है। अगर हम स्टेटमेंट डी की बात करें तो उसमें कहा गया है इट मेजर्स और सम्स अप हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज लर्न फ्रॉम द कोर्स। तो अभी हमने देखा कि समेटिव असेसमेंट से एट द एंड ऑफ द कोर्स हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स की क्या परफॉर्मेंस है। तो उससे हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट ने कितना लर्न किया है फ्रॉम द कोर्स। तो हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अच्छे से लर्न किया है कोर्स से। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट डी है वो करेक्ट है रिगार्डिंग समेटिव असेसमेंट। यहाँ हमने देखा कि जो स्टेटमेंट्स ए, बी एंड डी हैं वो है करेक्ट रिगार्डिंग समेटिव असेसमेंट। सो अगर हम गिवन ऑप्शंस में देखें तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमें मिल रहा है ऑप्शन सी में। तो हम कह सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।